बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है सर, वेलकम। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया, इन दो प्रोविंस के प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स तो स्टार्ट हो गए हैं, आपके भी कई स्टूडेंट्स के लेटर्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द कनाडा के बाकी प्रोविंस में अभी तक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर शुरू नहीं किए हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के लिए स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा रश है। नए स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इस वक्त बड़ी तेजी से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितना लेट होंगे उनको पीए लेटर मिलने में दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी प्रोविंस की अटेस्टेशन लेटर जिस तरह से तेज हो रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है? क्या तुरंत बाकी स्टूडेंट्स फाइल लगा लें, और क्या मार्च में संभव है कि सबके पीए लेटर्स मिलने शुरू हो जाएंगे? डेफिनेटली सुरिंदर जी, देखो अल्बर्टा से और ब्रिटिश कोलंबिया से हमें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स आने शुरू हो चुके हैं। अगर आप वी हैव शेयर द सैंपल्स आल्सो विद यू आल्सो कि आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उन प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स में स्टूडेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, डीएलआई नेम, डीएलआई नंबर और कोर्स ड्यूरेशन, एंड इसके अलावा अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं, और ये भी मेंशनड है कि आप कितनी देर के लिए पढ़ने वाले हैं। सो मेरे को लगता है कि इसके बाद हम कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि मेंशन की गई है। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि अभी जब आप कॉलेज चूज कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से चूज करें, बिकॉज प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स में इन्फॉर्मेशन आ रही है काफ़ी डिटेल्ड में है। सो जो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर काफ़ी कुछ मैंशनड है, कोर्स ड्यूरेशन, डीएलआई, डीएलआई नेम। सो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स अब आप कॉलेज नहीं चेंज कर पाएंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलेज नहीं चेंज कर पाएंगे। मैंने सुरिंदर जी से अटेस्टेशन लेटर भी शेयर की है जो कि अभी की आ रही है। सो स्टूडेंट्स अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर बिल्कुल करेक्ट दें, क्योंकि उसके अंदर आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी भी मेंशनड होगा, और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे को लगता है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर साथ में लगेगी। सो राइट नाउ ये देखने को मिल रहा है कि अल्बर्टा और बीसी से प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स आनी शुरू हो चुकी हैं, और बाकी प्रोविंस से भी अटेस्टेशन लेटर्स आनी शुरू हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। 31 मार्च भी अप्रोचिंग है, और जल्द ही आपको सारे अदर प्रोविंसेस से भी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स मिलेंगी। बट अब आपको एक राइट कंसल्टेंट चूज करना है कि जो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर दिला सके, बिकॉज पहले तो ऐसा होता था कि हम कहीं पे भी अप्लाई कर देते थे बिकॉज ऑफर लेटर वॉज नीडेड, बट प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो इट इज काइंड ऑफ अ सीओई और अ कैस जो हम पहले अप्लाई करते हैं। सो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स विल बी इशूड टू कंसल्टेंट्स हु आर वेरी रिप्यूटेड एंड हैव डायरेक्ट टाई अप्स विद द कॉलेजेस इन कनाडा। सो मेरे को लगता है अब स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपको एक सही कंसल्टेंट से अप्लाई करना चाहिए, जिनको इन्फॉर्मेशन है, जो आरसीआईसी मेंबर्स हैं, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो कनाडा विल रिमेन टॉप डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ हर्डल्स आल्सो, बिकॉज कनाडा में जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है वो अदर कंट्रीज में बिल्कुल नहीं दी जा रही। सो राइट नाउ वी आर डूइंग स्टडी वीजा फॉर ऑल अदर कंट्रीज आल्सो, जर्मनी, न्यूजीलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, कैनेडा, बट वी आर एक्सपर्टाइज इन ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड देर इज नो प्रोसेसिंग फीस फॉर एनी कंट्री इफ योर आईलेट स्कोर इज ओवरऑल 6 बैंड्स। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन होली पे भी ऑफर लेके आया है कि जो भी स्टूडेंट्स लैंडमार्क इमिग्रेशन के इस दौरान अप्लाई करेंगे तो उनको आफ्टर वीजा एक लैपटॉप दिया जाएगा। सो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल एक अच्छी ऑफर है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी प्रोवाइड की जाएगी, लैपटॉप भी मिलेगा आफ्टर वीजा, एंड प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, और कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है लैंडमार्क इमिग्रेशन की। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें कही हैं अटेस्टेशन लेटर को लेकर। सो स्टूडेंट्स को इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए। जसमीत जी, जो स्टूडेंट्स अभी भी ऑफर अप्लाई नहीं करेंगे, एंड ऑफ मार्च जब पीए लेटर सारे इशू करने स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो प्रोसेसिंग टाइम भी उसके साथ बढ़ जाएगा जिन लोगों ने नहीं ऑफर लेटर अप्लाई किया अभी। सो सर, हैरानी वाली बात ये है कि इस टाइम पे जो जो नंबर्स प्रोविंसेस को अलॉट हो रहे हैं वो नंबर्स अभी भी क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं।
स्टूडेंट्स अगर हम देखें ब्रिटिश कोलंबिया की बात, तो ब्रिटिश कोलंबिया 52,000 वीजा दे चुका है। सो ऑलरेडी उसके अंदर 60-70,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं। सो अगर आप डिले करेंगे तो आप मिस कर सकते हैं चांस इस साल कनाडा जाने का, क्योंकि कनाडा ने बहुत ही कम रिस्ट्रिक्ट कर दी है नंबर, ताकि बच्चे जो वहां पे आए उन्हें वहां पे जॉब मिल सके, उन्हें अच्छा एनवायरमेंट मिल सके, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। बिल्कुल। सो अगर तुरंत ऑफर लेटर नहीं लेते स्टूडेंट, क्यों, क्या हम माने कि ये साल मिस हो सकता है? बिल्कुल सर, मिस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और सर मास्टर्स के भी बड़ी तेजी से वीजा आ रहे हैं, मास्टर्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेनी है उसमें अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि किन स्टूडेंट्स को एक साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा और किन को 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो सी मास्टर्स देखो, एक साल, पहली बात तो आपको एक साल की मास्टर्स में एडमिशन मिलेगी तब ना। सो एक साल की मास्टर्स बहुत ही लिमिटेड है। सो एक साल की जो मास्टर्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है और बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में है। सो बहुत लोग चाहते हैं कि हमें एक साल की मास्टर्स मिल जाए, बट वो रेडली अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स ये समझने की बात है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में एक साल की मास्टर्स है बट उसकी फीस $40,000 है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक में एक साल की मास्टर्स है उसकी फीस $32,000 है, प्लस जीआरई स्कोर 550, जीमैट स्कोर 550 की रिक्वायरमेंट है। अगर जीमैट वेवर चाहिए तो 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अगर आप वो फुलफिल करते हैं तभी आपको वो मास्टर्स में एडमिशन मिल पाएगी, नहीं तो वो एडमिशन नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो मास्टर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और जल्द से जल्द जसमीत जी से बात करें। 90412-90413 इस नंबर पे आप अप्लाई कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और जसमीत भाटिया जी से सलाह ले सकते हैं सितंबर इनटेक और जनवरी 25 के लिए यूजी प्रोग्राम्स के लिए और पीजी प्रोग्राम्स के लिए आपके पास मौका है। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी जसमीत जी से संपर्क कर सकते हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर की है। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, थैंक यू सो मच सर।